उनके उनके हिसाब से चेन गिनती इधर उधर होता रहता है. सो दिस इज अ वेरी स्ट्रेंज एंड अ शॉकिंग थिंग. बट ये जब ये बिल्ड हुआ 1990 में, उसके पहले यहाँ पर क्या था? तो भाई यहाँ पर था, राजा ने क्या किया कि उसको जिंदा, ये जो अपना जो इसके पीछे रूम है वहाँ उसको चन दिया. जैसे अकबर ने अनारकली को जिंदा अंदर रखा था रूम के अंदर. Hi guys, welcome to my another vlog. This is Joel from Baroda, Gujarat, and welcome to my channel. So guys, today I am going for a short ride nearby Baroda city. There is a village called Daboi, and why I am going there is because I have to meet my pet. It's a Doberman. So since long I haven't met him, so I thought I will meet him today, and I will show you, I will introduce you with my pet, and I will also show you my farm. And I will also show you that city. It's a village actually. It is known as Daboi, and I will show you the famous historical tragic history of that gate. It is known as Hira Pagod Gate, and one of the magical place near my farm. And guys, I am riding my Activa today because it's not a long ride. That's why. So chalo, let's enjoy. So right now we just had this Ganne ka juice. And this road, this highway looks very spooky at night, you know. Okay, we need some energy. So let's do that. अभी बस ये खेतों के बीच में जा रहा हूँ. कसम से Boxy, this is the other Doberman, Boxy. उसका पूछ नहीं कटवाया है, because it's illegal now, I guess. So इसमें सब fish है, आपको दिखाई दे रहा होगा शायद. So we are just having some chai right now. यहाँ पे सब कुछ होता है. That is eucalyptus, coconut tree, डमरू. पहले के टाइम पे, ancient टाइम पे सब परफ्यूम डिओड्रेंट की जगह पे इसको यूज कर रहे थे, डमरू. So now Harshad bhai, he will show a very nice thing of this village. This village is called as Sathod. It is around almost 45 kilometers away from Baroda city. अपने इंडिया के विलेज में जो खुशबू है, you won't find anywhere. And to travel in village is really a great fun because you really feel the fresh air. And most important thing is the love. The love which this villagers which they give us, that is natural. So ये सब स्टैचूज है यहाँ पर, ये वाला और ये टोटल इसको पाड़िया बोलते हैं इन गुजराती लैंग्वेज. दिस आर कॉल्ड पाड़ियाज. जो पहले के टाइम में जो वॉरियर, जो सोल्जर, सैनिक हुआ करते थे, दे यूज टू फाइट फॉर देयर लैंड. ये 1341 से है यहाँ पर. तो यहाँ पर क्या होता है कि ये अभी 29 है ना, कितना है, 29 है यहाँ पर. ये सब वहाँ भी आपको एक सेकेंड ना, वहाँ पर भी है थोड़े ऐसे स्टोन्स, वहाँ जाके नहीं दिखाऊँगा बहुत. तो वहाँ ये टोटल 29 स्टोन्स है यहाँ पर. तो कभी कभी ये स्टोन्स में क्या होता है कि आप व्हेन यू काउंट देम, तो ये कभी 29 होते हैं, कभी 30 हो जाते हैं, और कभी 31 हो जाते हैं. अपने आप होता ही है, चेंज होता रहता है. होता तो यही जगह पर है, कंप्लीट होती उनके उनके हिसाब से चेंज गिनती इधर उधर होता रहता है. सो दिस इज़ अ वेरी स्ट्रेंज एंड अ शॉकिंग थिंग. इट इज़ अ काइंड ऑफ मैजिक, वॉट एवर यू से. तो हर्षद भाई यहाँ काफ़ी, कितने टाइम से आप रहते हो हर्षद भाई इधर? बहुत सारे
पेड़ियों से मेरा गांव ही है. तो दिस प्लेस इज कॉल्ड साथोड नियर डबोई. सो इफ यू वांट टू विजिट दिस प्लेस देन यू कैन विजिट. और दूसरा जगह महादेव, दूसरा ये जगह के सामने ही ये मंदिर है बारनाथ महादेव. बारनाथ महादेव, हाँ ओके. ये बिल्ड हुआ था 1990 में. एज यू कैन सी द डेट कार्व्ड ऑन दैट टेम्पल. बट ये जब ये बिल्ड हुआ 1990 में, उसके पहले यहाँ पर क्या था, तो भाई यहाँ पर था एक सुरंग जो सीधा यहाँ से निकलता था पावागढ़. पावागढ़ यहाँ से कितना किलोमीटर होगा, 80 किलोमीटर रहेगा ना, 80-90 किलोमीटर यहाँ से रहेगा. तो अभी आपको मैं ये सुरंग में लेके जाऊँगा. बट यहाँ पर ये सुरंग है, तो ये सीधा पावागढ़ जो है जगह वहाँ पर निकलता ही है. ये सुरंग को बंद कर दिया यहाँ से, बट यहाँ से नीचे से सुरंग जा रहा है ना पूरा. हाँ, नीचे से. ओके, सो आप देख सकते हो पुराने की वजह से वो पूरा भर गए नदी में. हाँ, हाँ, ओके. बगल में नदी है तो पुराना से सब भर गया, जम गया. तो ऊपर ये हम लोगों ने गाँव वालों ने मिलकर ये बना दिया मंदिर. मंदिर बना दिया. तो भाई दिस इज रास रिवर, रिवर रास ऑल्सो नोन एज डाटर, which meets Vishwamitri River in Baroda and then after they unite at Paur and uske aage dono nadi milke Arabian Sea ko milta hai. So this is the history of this place. If you want to visit this place then you can come over here. Dusra yahan dekhne layak kya hai, to yahan par Sardar Sarovar bhi hai. To agar aapko Sardar Sarovar dekhna ho, which is one of the biggest dam of India, to wo bhi idhar thoda hi paas mein hi hai, around 40 km rahega, to wo bhi aap visit kar sakte ho. तो पूरा एक दिन का प्लान बनाओ, सब देख सकोगे. सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस प्लेस. सो विल बी गोइंग इनसाइड दिस टेम्पल. दिस इज रिटन इन गुजराती. दिस इज कॉल्ड हाटकेश्वर महादेव. सो दिस इज अ लवली फैमिली ऑफ हर्षद भाई. सो ही जस्ट मेड चाय फॉर अस एंड विल गो टू हीरा बागोड़ गेट. नो सो गाइज, हियर आर वी प्रेजेंट यू the Hira Bagod gate of Daboi. So guys, this is the Hira Bagod gate in Daboi, and the history of this gate is that, hope you can see this elephant, and there is a small window over there. So guys, as you can see that small black window, इसमें एक छोटा रूम है इधर. तो अभी देर वॉज अ किंग हु यूज टू रूल दिस सिटी डबोई, एंड उसने ये फोर्ट और ये गेट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट एक बंदे को दिया, ठीक है. एंड देन आफ्टर व्हाट हैपेंड इज के वो जो उसका नाम हीरा था, हु वॉज बिल्डिंग दिस फोर्ट, ही वॉज अ आर्किटेक्चर. तो वॉट ही डिड के ही लव्ड हिज वाइफ अ लॉट. तो ये जो पूरा जो फोर्ट बनने का जो खर्चा दिया था जो राजा ने उसको बनाने का आर्किटेक्चर ये पूरा बनाने का जो खर्चा दिया था वो हीरा को, तो वो बंदे ने क्या किया, हीरा ने, तो उसमें से थोड़ा सामान इधर का जो था जो ये फोर्ट बिल्डिंग में काम आने वाला था वो चुरा के वो उसकी वाइफ के नाम का एक तालाब होता है जो पॉन्ड होता है, तो ही वॉन्टेड टू बिल्ड अ पॉन्ड. तो यहाँ से वो थोड़ा सामान चुरा जाता और उसका सब वो पॉन्ड बनाने में खर्चा करता था. तो राजा को पता चल गया ये सब चीज़. तो व्हाट ही डिड, राजा ने क्या किया कि उसको जिंदा ये जो अपना जो इसके पीछे रूम है वहाँ उसको चन दिया. जैसे अकबर ने अनारकली को जिंदा अंदर रखा था रूम के अंदर. अभी उसको क्या बोलते वो पता नहीं, मैं इधर थोड़ा वो उसका डिटेल्स यहाँ पर दे दूँगा. एंड दैट गाय ही रिमेंड अलाइव फॉर 15 years इनसाइड दिस रूम. सब कुछ अंदर करता था भाई. एंड उसको खाना भी यहाँ से एक औरत खिलाती थी. यहाँ पर ये जो विंडो दिख रहा है उसमें से घी और रोटी उसको देते थे. फिर क्या हुआ कि आफ्टर सम टाइम इसमें थोड़ा वॉल लीकेज हुआ और वॉल टूटने लगा. तो राजा ने उसको जिंदा तो दफन कर दिया था अंदर, तो ही वांटेड टू रिपेयर दैट थिंग जो थोड़ा फॉल्ट आया थे गेट बनाने में. तो उसको वापस अंदर से रूम में से निकाला और उसने वो रिपेयर किया जो भी वो प्रॉब्लम था ये फोर्ट के गेट के अंदर. तो उसने वो रिपेयर किया ना 15 साल बाहर आया, फिर उसने प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दिया बट ही कैन नॉट एबल टू एडजस्ट विद दिस सराउंडिंग्स बाहर के वातावरण से. तो मतलब इतने टाइम वो अंदर रहा था तो उसको बाहर का जो सराउंडिंग था उसके साथ वो एडजस्ट नहीं हुआ, तो उसको वापस अंदर रख दिया. नहीं तो वो एक्सपायर्ड हो गया, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया फिर उसके बाद. अच्छा, जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व कर दिया उसके बाद उसको एटमोसफियर बाहर का सेटल नहीं हुआ मे बी.
तो सब लोग बोल रहे हैं कैसा कहानी है। सो दिस इज द स्टोरी व्हाट वी हैव हर्ड, लाइक मुझे पक्का नहीं पता है, इट इज़ नॉट अ स्टोरी, दिस इज़ अ रियलिटी, बट ये जो बात थोड़ा इधर उधर हो जाए, सो डोंट कोट मी ऑन दैट। और जस्ट इसके 10 या 15 किलोमीटर इसके पीछे की साइड देर इज़ अ लेक कॉल्ड वडवाना, वो अभी मैं कवर नहीं करूँगा बिकॉज इट्स टू लेट एंड आई हैव टू रिटर्न बैक टू बड़ौदा एंड नेक्स्ट टाइम आई विल शो यू वडवाना लेक। वहाँ पर क्या है, सब फॉरेन से रशिया से बर्ड्स आते हैं वहाँ पर इन विंटर्स, सो इफ़ यू आर अ बर्ड लवर ऑफ और इफ़ यू लाइक फोटोग्राफी देन यू कैन विजिट दैट प्लेस। रूप तेरा मस्ताना, चाल तेरा दीवाना, भूल कोई हम सेना हो जाए। ओ हसीनो तुमने सदियों आशिक को तड़पाया, अब तो तुमको झुकना होगा मेरा जमाना आया, क्योंकि आज मेरी लॉटरी लग जाने वाली है। जहाँ चार यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार, जहाँ चार यार महफिल रंगीन बने, महफिल रंगीन बने, दौड़ मचे धूम चले, मस्त मस्त नजर देखे न चमत्कार, जहाँ चार यार in my house there was a cat, there was a mouse, खेल रहे थे चूहा बिल्ली, चूहा आगे पीछे बिल्ली, चूहे को पड़ गए जान के लाले, बोला मुझको कोई बचा ले। चूहा आगे पीछे बिल्ली, चूहा आगे पीछे बिल्ली, चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली, चूहा आगे, चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली, चूहा मंजरों का बंद खिड़की, बिगड़ी हुई थी हालत उसकी, मेरे पास था बड़ा गिलास, पी गया चूहा सारी बिस्की, धड़क के बोला कहाँ है बिल्ली, दुम दबा के बिल्ली भागी, चूहे की बूटी किस्मत जागी, दुम दबा, दुम दबा के बिल्ली भागी, चूहे की बूटी किस्मत जागी, दुम दबा के बिल्ली भागी, चूहे की बूटी किस्मत जागी, हाँ चमत्कार रंगीन जमे।